वेलकम टू ऑल इंडियन सेट एस सी, दिस इज टेस्ट नंबर 5। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 125 क्वेश्चन, दिस इज 86 क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरी चेंज ब्रॉट इन जम्मू कश्मीर आफ्टर स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 एंड 35A। 370 और 35A आर्टिकल ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर पे क्या फ़र्क पड़ा है? फर्स्ट है हमारे पास, द पीपल्स फ्रॉम आउटसाइड जम्मू कश्मीर वार एबल टू बाय प्रॉपर्टी इन स्टेट एंड सेटल दैम। तो सही है कि वहाँ पर कि बाहर के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, सही है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ उन्होंने, सेंट्रल लॉज विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू स्टेट, सही है ये भी। अभी क्या हो गया है, जब 370 आर्टिकल और 35A हट गया है तो वहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, मतलब बाहर के स्टेट के लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो वहाँ पर रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सेंटर के लोग वहाँ पर एप्लीकेबल है। तीसरी बात, पंचायत राज भी वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। फोर्थ बात वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो सेशन होता था वहाँ पर लेजिस्लेचर का, वो पहले 6 साल होता था, अब वो 5 साल का हो जाएगा। अब ये पूरा प्रेसिडेंट रूल लगेगा, यहाँ पर सब कुछ लग सकता है, ठीक है। तो 1 एंड 2 दोनों सही होगा, इसका आंसर सी ऑप्शन है इसका। ये इसका डायग्राम है, पढ़ सकते हो। और हाँ, दो वहाँ पे इलेक्शन एवरी 5 ईयर होगा। सेंटर कैन डिक्लेयर द फाइनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 360। और इसमें यहाँ पे जो उनका जो फ्लैग होता था अलग होता था, फ्लैग ऐसा नहीं होगा, अब एक ही फ्लैग होगा। नो सेपरेट लॉज फॉर जम्मू कश्मीर, सेंट्रल लॉ विल एप्लीकेबल, नो ड्यूअल सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन फ्रॉम द अदर साइड कैन बाय एंड प्रॉपर्टीज एंड सेटल दैम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। नेविगेशन सेटेलाइट और डेवलप्ड बाय, ये लगाया है, मैचिंग करना है। फर्स्ट है हमारे पास गैलीलियो। गैलीलियो जो वेबसाइट, जो गैलीलियो नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है, वो यूरोपियन का है और सबसे बड़ा है, 32 है सेटेलाइट इसके अंदर, तो फर्स्ट हमारा सही है। गैलोनेसा रशिया का, ये भी सही है। क्वासी जैनित जो है हमारा साउथ कोरिया का नहीं है, ठीक है। तो आंसर थर्ड हमारा गलत हो गया, 1 एंड 2 है। अगर आप इसका देखोगे फिगर, तो ये जो क्वासी जैनित सेटेलाइट सिस्टम है वो जापान का है। IRNSS ये, और नेविक ये किसका है, इंडिया का, याद कर लो। GPS हमारा किसका है, USA का है। गैलीलियो यूरोपियन का है। IRNSS और नेविक हमारे कहाँ, इंडिया का है। और कोई भी जैनी सेटेलाइट है किसकी है, जापान की है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। ऑक्सोटॉक्सिन हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, सही है। हमारा ऑक्सोटॉक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, ठीक है, एनिमल को भी लगाते हैं इसको, जब वो दूध नहीं देती गाय या भैंस। ऑक्सोटॉक्सिन इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ वेजिटेबल सच एज द पम्पकिन, सही है। हमारे पास ये भी है कि जो पहले आपने देखा गोभी जो बहुत बड़ी बड़ी जाती हैं, वो एक्चुअली क्या, उसके अंदर इंजेक्शन लगा के छोटी को रात को तक, वो एक ही दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर वो छोटी सी गोभी बड़ी बन जाती है, उसके अंदर भी ऑक्सीटॉक्सिन का एंजाइम लगाते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर बैन द इम्पोर्ट ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन एंड इट इज़ फॉर्मुलेशन, कह रहे कुछ टाइम पहले इस पर बैन लगा दिया गया। ये 1, 2, 3 तीनों सही है हमारे। अच्छा, ये जो ऑक्सीटॉक्सिन है ये हेल्थ के ऊपर हार्मफुल है, ठीक है, इसके वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको बैन कर दिया इंपोर्ट करने के लिए। तो 1, 2, 3 तीनों आंसर हैं, इसका आंसर डी। अगर आप ये देखो 89 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफरेंस टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर क्या कहा है कि इंडिया, ईरान, अजबेकिस्तान और रशिया एज अ फाउंडर मेंबर है। देखो, इंडिया का फाउंडर मेंबर ईरान भी है, रशिया भी है। अजब वैजिन जो है ये कंट्री, ये इसका फाउंडिंग मामला नहीं है, तो इसका आंसर फर्स्ट तो गलत ही हो गया। सेकंड पे चलते हैं, द कॉरिडोर कनेक्ट इंडियन ओशन एंड पैसिफिक गल्फ टू कैस्पियन सी वाया ईरान एंड देन कनेक्टेड नॉर्थ यूरोप वाया रशिया, ये सही है। तो 2 सेकंड सही है, फर्स्ट में गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तुर्की इज ओनली कंट्री शेयर द बाउंड्री ऑफ ईरान एंड इराक। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये पता नहीं हर साल ही हर पेपर में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ये जो इसका मैप है, इसको आप देख लो अच्छी तरह से कि किसका ईरान और इराक और तुर्की के जो बॉर्डर है कैसे मैच करती है। घोटा साइट इज लोकेटेड इन इराक, सीरिया के अंदर है, तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। इस मैप को ना अच्छे से समझ लो कि कौन सा इराक है, कहाँ ईरान है, कहाँ पे तुर्की है, कहाँ पे क्या है, ये बहुत पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट वंस अ ईयर, सही है। कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 सेपरेट स्टेट्स पार्टीज टू कन्वेंशन इलेक्टेड बाय देयर जनरल असेंबली, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में गलत क्या है कि 1 एंड 2 ऑप्शन दोनों सेम दिए हुए, तो मतलब 1 भी सही है, 2 सही है, तो आप 2 को हटा दो तो 1 एंड 3 का आंसर होगा।
इट हैज़ अ फाइनल से ऑन वेदर द प्रॉपर्टी इज इंस्क्राइब्ड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सही है, तो प्रॉपर्टी को भी इसका इंस्क्रिप्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, लिस्ट में अंदर है ना, कि हमारा भाई जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो वन एंड थ्री इसका आंसर होगा, क्योंकि सेकंड को हटा दो, क्योंकि सेकंड तो सेम ही है वन एंड टू का, तो आंसर वन एंड थ्री होगा इसका, डी। आप क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे ICJ कहते हैं। इट वॉज स्टेबलाइज इन जून 1920। गलत है, 1920 नहीं है, 1940 है, 1940 में हुआ था ये, 1920 में नहीं है। बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड बिगेन टू वर्क इन अप्रैल 1921। गलत है, ये भी 1940 है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, 1940 है इसका आंसर। दूसरा क्या है, द सीट ऑफ द कोर्ट इज प्लेस्ड इन द हेगोई, ये बिल्कुल सही है। देर इज इट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू डील द एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड NGO एंड प्राइवेट ग्रुप, ये भी सही है। इसमें ना इंडिविजुअल नहीं कर सकते, इसमें जैसे दो पार्टी के बीच में पंगे हैं या कोई लड़ाई, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मुद्दा है, तो वो दो ही जाएगा, ये नहीं कि अकेला पहुंच गया आदमी, ठीक है। तो वन एंड थ्री इसका, टू एंड थ्री इसका आंसर होगा। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क लोकेटेड इन असम, इनमें से कौन सा असम के अंदर है। देखो कमारी नेशनल पार्क असम के अंदर है, काजीरंगा असम के अंदर है, गोरुमोना नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, और फोर्थ भी पोपोबिता नेशनल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज ये भी ठीक है पोपितोरा। तो वन एंड टू एंड फोर इसका आंसर होगा, सेकंड को थर्ड जो है गोरुमारा वो हमारे पास वेस्ट बंगाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 94, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, डाउट मैनेजमेंट। देर इज नो सिंगल लीगल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ डाउट इन इंडिया, सही है ठीक है। डाउट विल फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर एज डिफाइंड एज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट इज फाइनल अथॉरिटी विल कम टू डिक्लेयर द रीजन इज अ ड्राफ्ट इफेक्टिव। तो वन टू थ्री तीनों सही आंसर है, ठीक है। फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है, ये तो पता ही आपको, IMF बनाता है, कोई बात नहीं। अच्छा इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, इसमें इसे याद कर सकते हो आप कि IMF के पब्लिकेशन कौन कौन से पेपर में आ चुके क्वेश्चन है ये। पहला UPSC के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF निकालता है। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन निकालता है, IMF निकालता है। फिजिकल मॉनिटर कौन निकालता है, IMF निकालता है। रीजनल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट कौन निकालता है, IMF निकालता है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट कौन निकालता है, IMF निकालता है। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारे पास कोटेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन CAC इज इंटर गवर्नमेंट बॉडी विद मोर देन 180 मेंबर्स, सही है। इट इज जॉइंटली स्टेबलाइज बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FAO एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1990। तो वन एंड टू दोनों सही हैं। थर्ड पर चलते हैं, कोटेक्स एलिमेंट्रीज इज रिकॉग्नाइज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज ए इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट कंसर्निंग फूड सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वन टू थ्री आंसर बिल्कुल सही है। आपको CAC के बारे में तीन पॉइंट यहाँ से याद होने चाहिए जो लिखे हैं, तो वन टू थ्री आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका शायद इसका सेकंड गलत है, इसका डी बता रहे हैं इसका आंसर सेकंड। हाँ इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर जो 1990 है ना, ये 1960 है, तो सेकंड हमारा गलत है। तो फर्स्ट थर्ड ये सही है, मैं जरा ईयर नहीं पढ़ाता इसके अंदर, तो 1960 के अंदर हुआ था ना कि 1990 के अंदर। वैसे जो स्टेटमेंट है वो सारा सही है, तो वन एंड थ्री सही है। अगर दूसरे के अंदर 1990 की जगह 1960 होता तो थर्ड भी सही होता, तो उसको याद कर लेना। तो 96 इसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इट स्टेबलाइज इन 2001 बाय शेयर्ड पार्टनर बिटवीन इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोलॉजिकल प्रोग्राम IGBP एंड इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज IHDP एंड अदर, सही है ठीक है जी। इट इज़ फॉर्म्ड टू वर्क विद इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी टू स्टेबलाइज कॉमन म्यूचुअल एग्रीमेंट नॉलेज बेस्ड टू सपोर्ट पॉलिसी डिबेट एंड एक्शन टू स्लो डाउन एंड अल्टीमेटली स्टॉप इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफेयर। वन टू टू सही है, तो इसका आंसर होगा सी। अच्छा सेकंड फर्स्ट पे चलते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में चलते हैं, JBNF के बारे में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस डेट बिलीव द नेचुरल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स विदाउट एडिंग एनी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड और एनी फॉरेन एलिमेंट, बिल्कुल सही। कि IGNF का मतलब क्या है कि फार्मिंग करोगे तो आप कुछ नया एडिशन नहीं डालोगे, ना फर्टिलाइजर डालोगे, ना उसके अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट डालोगे, सही है। द वर्ल्ड जीरो बजट डिफेंस टू जीरो नेट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप, सही है। द फादर ऑफ JBNF इज MS स्वामीनाथ, ये गलत है। MS स्वामीनाथ ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है, इनके फादर हैं, इनका नाम है सुभाष पालेकर, याद कर लो। द फादर ऑफ JBNF का नाम क्या है, सुभाष पालेकर। तो उसके वजह से आंसर वन एंड सेकेंड हुआ, थर्ड गलत हुआ।
99 क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश, ये है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के बारे में 2018। मध्य प्रदेश स्टेट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इन स्टेट फॉलोड बाय कर्नाटका। बिल्कुल सही है, मैंने आपको कल ही बताया था कि टाइगर स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, इट इंडिया कंडक्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एवरी 5 ईयर। गलत है, 4 ईयर, हर 4 साल के बाद होती है। पंच सेंचुरी एंड पेरियार सेंचुरी इमर्ज्ड एज बेस्ट इमर्ज्ड टाइगर रिजर्व इन कंट्री। सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो गया, इमर्ज्ड है, मतलब इमर्ज है, सबसे सही चल रहा है। हाँ तो आ जाओ, होप स्पोर्ट्स के बारे में बात चल रही है। कंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होप स्पोर्ट्स। पहला है अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड आर फर्स्ट टू इंडिया टू मेक इट लिस्ट ग्लोबल होप स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही है हमारे पास। अच्छा, सेकेंड हमारे पास, ए होप स्पोर्ट्स इज द एरिया ऑफ द ओशन एंड ओशन डेट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ इट इज वाइल्ड लाइफ सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिट्स। बिल्कुल सही है, हॉट स्पॉट का मतलब क्या है कि ओशन के अंदर जितने भी प्रोटेक्शन है उस स्पेस को प्रोटेक्शन करना है, वाइल्ड लाइफ को और अंडर वाटर जो हैबिटेट्स हैं। ठीक है, अंडमान और लक्षद्वीप के अंदर इसको फर्स्ट बनाया गया, इंडिया के अंदर पहला हमारे पास होप स्पॉट बनाया गया, ग्लोबल होप स्पॉट कहाँ पर बनाया गया, अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर। अच्छा, बनाता कौन है, IUCN बनाता है, अभी देखते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड बाय इंटर गवर्नमेंट ओशनग्राफी कमीशन। गलत है, IOC नहीं है, ये है, अगर आप देखोगे तो सम ऑफ एरियाज इसके अंदर IUCN है, देर इज़ ए 18, यहाँ पढ़ो आप, तो थर तो गलत ही हो गया क्योंकि ये IUCN बनाता है। द टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड कंसिडर एक्सट्रीमली रिच इन मंडल डायवर्सिटी आर फर्स्ट प्लेस इन इंडिया, दे हैव एडेड लिस्ट 50 ग्लोबल होप स्पॉट्स। आई द 13 होप स्पॉट्स आर हैड बीन आइडेंटिफाइड अराउंड द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। एडिशनली 31 होप स्पॉट्स आर रिलीज्ड बाय IUCN मिशन ब्लू के नाम से है, ये मिशन ब्लू और IUCN के नाम से। तो आंसर उसका फर्स्ट एंड सेकंड हुआ, थर्ड तो गलत ही है। इट इज़ डिक्लेयर बाय द IUCN अंडर द मिशन ब्लू। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड हुआ इसका आंसर। तो इंडिया में कहाँ पर, इंडिया में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो 100 क्वेश्चन आपके साथ हो चुके हैं बच्चों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।